हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या बताने वाली हूँ आज मैं आपको आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रिज क्लीन, मतलब मैं अपना फ्रिज क्लीन करने वाली हूँ, तो वह मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मतलब बहुत ईजी तरीके से मैं किस तरीके से फ्रिज अपना क्लीन करती हूँ, रेफ्रिजरेटर जो बोलते हैं वो क्लीन करती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं अभी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग भी क्लीन करते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, मुझसे भी अच्छा करते होंगे, बट मैं जिस तरीके से करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं फ्रिज की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, फ्रिज क्लीन करने से पहले जो रेफ्रिजरेटर सॉरी फ्रिज क्लीन करने से पहले उसका स्विच ऑफ कर दे 10 या 15 मिनट पहले, ताकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है ना वो चिल्ड होता है, तो वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, क्योंकि हम जब क्लीन करते तो फ्रिज काफ़ी टाइम तक ओपन रहता है, तो इस वजह से स्विच ऑफ कर दे, और स्विच ऑफ करने के बाद उसका जो प्लग है वो निकाल के रख दे ताकि करंट उसका बंद हो जाए। तो ये टिप था, इसे आप लोग भी फॉलो करना अगर आप अभी तक नहीं करते होंगे, या करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते होंगे तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करना कि फ्रिज साफ़ करने से पहले उसे 15 मिनट या 10 मिनट पहले ऑफ कर देना और उसका प्लग निकाल के रख देना। तो मैंने भी सेम अभी वही करके रखा हुआ है, और मैंने अपने फ्रिज को अभी पूरा उसका सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है, इसलिए मतलब खाली करके रखा हुआ है। तो मैं अपना फ्रिज कब क्लीन करती हूँ, जब मेरे फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं होता है, बहुत कम सामान होता है, बहुत रेयर सामान होता है, तो अगर फ्रिज फुल मतलब फ्रिज भरा रहता है तो थोड़ा लगता है मतलब कि हाँ बहुत भरा है, क्या फ्रिज क्लीन करना। अभी उसमें ज़्यादा सामान नहीं है, तो मैंने सोचा क्लीन कर लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, तो शायद आप लोग भी वैसे ही करते होंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी मैंने जो बताना था वो बता दिया, अब हम फ्रिज क्लीन करने जा रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। सो देखा फ्रेंड्स आपने फ्रिज कैसे दिख रहा था। तो अभी हम लिक्विड की तैयारी कर रहे हैं। लिक्विड में मैंने पानी लिया है थोड़ा सा, जिसमें मैंने थोड़ा डिशवॉश लिया हुआ है, और इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर और एक ब्रश सॉरी स्पंज है वो। तो अब हम लिक्विड तो रेडी करके रखे हैं, अब हम फ्रिज का पूरा सामान निकाल रहे हैं, सामान मतलब जो उसके प्लेट्स वगैरह है वो सब हम बाहर निकालेंगे, देन हम फ्रिज पूरा खाली कर देंगे और इसे अलग से वॉश करने के लिए रख देते हैं। तो अब एक एक करके मैं पूरा सामान निकाल रही थी। तो देखिए अब जो ड्राइड मतलब कचरा था वो सब मैं कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ, मतलब ताकि फिर इसे अच्छे से वॉश कर सके। वॉश करने के बाद मैंने जो लिक्विड रेडी किया था तो वो मैं भी उससे मतलब फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, जिससे सारे दाग्स वगैरह जो रहते हैं ना फ्रिज में लगे रहते वो सारे निकल जाते हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, मतलब ये एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा क्लीन होता है फ्रिज और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो आगे देखिएगा फ्रिज कैसे दिखती है। तो देखिए इस तरीके से पूरा फ्रिज हम क्लीन कर लेंगे वो लिक्विड की मदद से, देन सामने से भी जो फ्रंट अप है वो भी क्लीन कर लेते हैं। देखिए फ्रंटल पे कैसे स्टिकर लगा हुआ है, मैंने ना उसका फूड वाला स्टिकर लगा के रखा हुआ है, फूड मतलब फ्रूट्स के स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो देखिए हम सामने का भी पूरा क्लीन, देखिए फ्रिज अभी पूरा क्लीन हो चुका है लिक्विड से, देन अब इसके बाद मैं इसे पानी से साफ़ कर रही हूँ, साफ़ पानी से। मैंने कपड़ा यूज़ किया, अगर आपके पास स्पंज होता आप स्पंज से भी इसे क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ कपड़ों की मदद से, तो इस तरीके से मैं सारा फ्रिज साफ़ कर लूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हो, क्या करिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरीके से मैं हर 15 डेज़ में अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ, और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना इस लिक्विड की मदद से मतलब फ्रिज कितना क्लीन लगता है। अभी आप देख ही रहे होगे पहले मेरा फ्रिज कैसे दिख रहा था ना, अब कैसा दिख रहा है, और आगे भी आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके का फ्रिज दिख रहा है, कैसे क्लीन हुआ है पूरा। तो देखिए अब वो पूरा साफ हो गया था अच्छे तरीके से, तो देन जो सामान हमने निकाले थे इसकी प्लेट्स वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद इसे मैं इसका पानी सूखने के लिए रख दूँगी थोड़े देर तक, ताकि इसका पानी पूरा सूख जाए, देन फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था पानी सूखे हुए, तो अब मैं इसके सारे पार्ट्स को लगा रही हूँ फ्रिज में। तो देखिए एक एक करके मैं सारे पार्ट्स में लगा रही हूँ।
सो सारे फ्रिज का पार्ट्स लगा दिए हैं, सारा सेट कर लिया। तो देखा मैंने कुछ इस तरीके से फ्रिज को सेट किया हुआ है। मेरे पास वो शीट नहीं है जो फ्रिज की आती है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है अमेज़ॉन से। अगर आपके पास हो तो आप उसे रख सकते हो ताकि वो प्लेट्स ज़्यादा गंदी ना हो, और मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैंने इसे अभी लगाया नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपके भी काम आएंगी ये। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी।